चेक करो भाई साहब, मर्सिडीज गाड़ी देख रहे हैं भाई, कितनी लग्जरी लग रही है यार भाई। ऊपर चले गए भाई, वो नीचे आपको दिखाता है आपने भाई, काफी क्रेजी कार थी यार। सो गाइस चेक करो भाई, एलविश भाई की फोर सीटर देख रहे हो भाई, क्या लग रही है भाई, बहुत जबरदस्त भाई, क्या यार भाई साहब, 0001 भाई, मोड़ पर टायर देखो भाई इसके यार, आप लोग भाई कितने भाई अलॉय टायर डलवा रखे, एकदम क्रेजी भाई लुक है। हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आसाई मोटो व्लॉग। सो गाइस आज कल देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सीधे केटीएम के शोरूम के पास से, पीछे भाई थोड़ी सी भाई दूर केटीएम का शोरूम जा चुका है। और भाई यार सबसे पहले तो यार आपको ना भाई आज का भाई जो वेदर है ना वो चेक कर लो भाई, कितना प्यारा मौसम हो रहा है भाई आज यार, क्योंकि भाई आप सबको पता है जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं उसको भाई सबसे प्यारा मौसम लगता है भाई ये वाला, ना उसको ज़्यादा धूप पसंद है, ना कोई बारिश वाला मौसम या ना कोई ऐसे ज़्यादा ठंड वाला मौसम, भाई ये जो है ना बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो रहा है अभी, ना देखो थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है वो बादलों में केवल। और भाई जो मौसम हो रहा है ना कितना प्यार हो रहा है, बता रहा हूँ गाड़ी चलाने का जो मन आ रहा है ना भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलते भाई आज की लोग शुरुआत करते हैं अभी अच्छी को भाई, हम लोग जो है ना 16 बजे साइड में टाइम आपको बता दो, सुबह के जो है ना 7:30 बजे है, तो कहीं जाए 2-3 दिन तक लगातार भाई सुबह 7:30 बजे हम लोग ब्लॉग शुरू करेंगे, तो भाई अब तो आपको सुबह 7:30 बजे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते फटाफट से देखते भाई, आज मैं आपको भाई घर बोले बोला था कि मैं जो है रिएक्शन पॉइंट बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूँ, तो देखते भाई आज थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, कि भाई वहाँ पे जो है वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार आती है भाई इस वजह से, तो भाई वहाँ पे जो है बंद करना पड़ेगा जब तक भाई धूप आती, लेकिन भाई आज तो मेरा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो निकलते हैं। और भाई सिद्धा देख रहे हो थार के नंबर चेक करो भाई, कैसे नंबर यार भाई, पता नहीं कौन से नंबर आने लग गया आजकल, तो वरना भाई पहले जाकर एकदम सिंपल नंबर चल देते, और आजकल तो पता नहीं भाई कैसे कैसे नंबर आने लगे गाड़ियों के भी। तो चलो चलते फटाफट से रिएक्शन पॉइंट की तरफ, निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे आगे रिएक्शन पॉइंट के पास में। सो गाइस अभी जो भाई हम लोग आ चुके हैं रिएक्शन पॉइंट के पास में, तो भाई सर आज की जो ना भाई लास्ट वीडियो रहेगी यार इस जगह में, क्योंकि भाई आज मौसम अच्छा हो रहा है इस वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर ली, और भाई साहब देख रहे हो आप लोग भाई पूरा खाली पड़ा है, तो चलो भाई रिएक्शन वगैरह तो भाई मेरे को लगता है कि नहीं आने वाला इस वजह से, भाई मेरे को जो ना पसंद नहीं है भाई व्लॉग शूट करना, देखो भाई यार भाई अब तो जो भीड़ है पता नहीं क्या बंद हो गई, पता नहीं क्या पुलिस वगैरह का केस वगैरह हो गया होगा यहाँ पे बंद, और लग रहा था भीड़ वगैरह यहाँ तो होती नहीं है, कितने लोग मैं आपको देख रहा होगा भाई, हर लोग मैं बोलता हूँ भाई भीड़ वगैरह होती नहीं है, कोई अच्छा खासा रिएक्शन नहीं मिलता, तो भाई आज से जो है भाई यहाँ पे ब्लॉग बनाना मतलब कि बंद हो जाएगा मेरा, तो अब मैं भाई आपको अलग अलग ट्रेन दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है रिएक्शन पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि भाई आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देते आपको भाई थोड़ा बहुत, अगर रिएक्शन वगैरह मिलता तो आ जाएगा, नहीं मिलता तो भाई नहीं आ पाएगा, लेकिन भाई अपने की किस्मत ऐसी है कि भाई नहीं मिलता उनको रिएक्शन, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते अभी आज हमारी कोचिंग के पास में, और भाई साहब ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे भाई कभी कम नहीं होने वाला, रहता सुबह 7:30 बजे आओ या फिर 10 बजे आओ, कितनी भी बजे क्या कर रहा है ये पागल वागल है क्या साला भाई, लड़ लिया भाई तो लड़ लिया यार, अरे हमको तो जाने दो आगे भाई, तुम लड़ते रहो साइड में रोक के, क्या आदमी है भाई ये। तो चलो भाई निकलते हैं फटाफट से क्लासेस के लिए, कंप्लीट करते हैं क्लासेस को और फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, और फिर चलेंगे अपन सीधा कार मार्केट में, नई नई गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ी चेक करूँगा आपको, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है कि ब्लॉग है, ठीक है। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं क्लासेस वगैरह और फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। तो कहते सर अभी दिनों भाई क्लासेस वगैरह कंप्लीट करके भाई हम लोग निकल चुके सीधा घर की तरफ जाने के लिए, और भाई साहब बंदे ने देखो भाई क्या ही मॉडिफाई करा रखी है भाई सेल्टोस को, मैं भाई लुकिंग चेक कर लो भाई आप लोग इस गाड़ी के ऊपर यार, सोचो भाई हर जगह अलॉय व्हील देखो भाई, स्टिकर वगैरह और भाई पता नहीं कैसे करवा रही है भाई गाड़ी को, क्रेज़ी यार भाई लोगों की ऐसे कमी नहीं होती भाई, जो गाड़ी का सफर सजा के रखते हैं एकदम मॉडिफाई करवा के रुक के, और भाई यहाँ पे किस बात का ट्रैफिक हो रहा है आज। तो चलो भाई चलते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से, भाई धूप देख रहे हो आप लोग भाई इतनी ज़्यादा धूप ना भाई, सच बता रहा हूँ यार मैं 2 दिन तो भाई हमारे ना फैन वगैरह भाई ऑन हो चुके हैं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे ना भाई, अब तो भाई बिना फैन के मैं रह नहीं जाता, मतलब पसीने वगैरह आ जाते हैं अब लोग, तो भाई अब तो जो गर्मी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, और भाई कल तो भाई रात को थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी, लेकिन भाई सुबह फ़र्क नहीं पड़ा भाई, थोड़ी बहुत आई थी मतलब वैसे बोलते रहे कि छिटे आते बस वो वाला मौसम था कल, और भाई काफ़ी खतरनाक वाला मौसम हो रहा था रात को। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट से आगे, चलते हैं आपसे कार मार्केट में और टनल में चलेंगे, वहाँ से निकलेंगे कार मार्केट के लिए, नई नई गाड़ी चेक करूँगा आपको, और आ चुके अभी हम लोग गोपाल बोला भाई बस सामने आपको दिख रहा होगा, तो निकलते हैं आज से पहले तो धूप भाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है सच में यार, तो भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलते हैं यहाँ से मिलते हैं आपसे आगे कार मार्केट में। तो कहें सर अभी जो भाई हम लोग आ चुके हैं टनल के पास में, तो चलो भाई चलते हैं टनल पे, दिखाते हैं भाई आपको थोड़ी भाई बाइक वगैरह भगाता हूँ भाई, और फिर भाई आप लोग चेक करना अंदर की आवाज़ घूम सी भाई देख रहे भाई, और भाई यार यहाँ पे भाई थोड़ा संभल के चलाऊंगा गाड़ी को मैं भाई साहब, देख रहे हो भाई क्या मज़ा आ रहा है एकदम बाइक भगाने का। और अभी आ चुका भाई हम लोग जो मार्केट सामने आपको दिखे होगा रेलवे स्टेशन, तो बस यहाँ से जो है करीबन 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है अपन को कार मार्केट, तो निकलते हैं वहाँ से जो है सीधे घर की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन भाई जो गाड़ी चेक करूँगा आपको भाई मैं मज़ा भाई काफ़ी ज़्यादा आने वाला, ठीक है तो चलते हैं यहाँ से
निकलते कार मार्केट के लिए। और भाई पीछे भी आपको दिखी होगी भाई अच्छे से खासी गाड़ियाँ जो कि भाई नंबर प्लेट काफ़ी क्रेजी थी उनकी, ठीक है। तो ऐसी और गाड़ी आपको दिखाने वाला हूँ जिनकी नंबर प्लेट तो भाई आप लोग छोड़ो, तो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी ना भाई ऐसी गाड़ी कोई भी नहीं दिखाता आपको ब्लॉग में, ऐसी खतरनाक वाली गाड़ी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलते मैं बस होप करता हूँ कि यार कुछ भाई अच्छी खासी गाड़ियाँ बस दिख जाए वरना भाई बेइज्जती हो जाएगी मेरी भाई, तो बोल रहा हूँ मैं अच्छी खासी गाड़ी दिखाऊंगा आपको, लेकिन भाई दिखी नहीं तो भाई फिर मतलब मामला भाई गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो चेक करते हैं देखते आगे चलते फटाफट से। वाह भाई वाह, बुलेट तो भाई बुलेट ही है यार, क्या आवाज़ आती है। चलो चलते निकलते फटाफट से, मिलते हैं आपसे आगे कार मार्केट में। सो गाइस चेक करो भाई एल्विश भाई की फोर्स अगर देख रहे हो भाई क्या लग रही है भाई बोर्ड से भाई क्या यार भाई साहब 0001 और भाई मॉडिफाइड टायर देखो भाई इसके यार आप लोग एक बार भाई कितने भाई अलॉय टायर डलवा रखे एकदम क्रेजी भाई लुक भाई साहब क्या चीज़ है यार। तो चलो भाई चलते कार मार्केट में, नई नई गाड़ी चेक करता हूँ आपको मैं भाई यार, यहाँ पे भाई वेट करना पड़ेगा अपन को यार रेड लाइट के लिए। तो चलो भाई चलते सामने बस आ चुका है कार मार्केट, तो दिखाता हूँ आपको मैं नई नई गाड़ियाँ, ठीक है। सो का तरफ चेक करना भाई आप लोग गाड़ियाँ, ठीक है भाई यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देख रहे हो भाई यार रेंज रोवर खड़ी है, BMW खड़ी है, ये देख रहे हो भाई निशान की कौन सी आ रही, वोल्वो भाई निशान नहीं है वोल्वो है, ये देखो भाई मर्सिडीज, ये देखो जैगुआर देख रहे हो भाई, ये ट्रक वगैरह यार भाई बीच में खड़ी कर देते गाड़ी को यार भाई साहब। उस फॉर्चुनर पे जो भाई सच बता रहा हूँ भाई मेरी नज़र नहीं हटी उस फॉर्चुनर से भाई साहब, वो सेम नंबर प्लेट फोर्स उसके क्या बोल भाई एलविश भाई की थी भाई, ये देखो भाई एक और नंबर भाई एक भाई कतरी से मिल गए मेरे को 0001 वाले नंबर प्लेट दो दो एक दिन भाई दो दो सेम नंबर की कार ही देख रहे हो भाई गाड़ी यार ओडी भाई क्या मार्केट है सच बता रहा हूँ ना भाई यार। आप आने के बाद जो भाई फीलिंग आती है ना गाड़ी के मामले में काफ़ी क्रेजी होती है भाई सच में यार। और भाई क्या मॉडिफाई करा रखी थी बंदे ने गाड़ी एकदम मॉडिफाई कर रखी थी भाई अलॉय को देखते ना भाई क्या क्रेजी लग रहे थे यार सच में क्या बोलूँ भाई मैं। तो चलो यार आपको भाई मज़ा तो आ गया होगा भाई देख रहे हो भाई ओडी, तो भाई आज के लोग में आपको मज़ा आया होगा ऐसी चीज़ दिखाई ना मेरे आपको भाई जिसको देखने के बाद बता तो आपको आ गया होगा, तो कमेंट करके बताना मुझे आपको अच्छा लगा ब्लॉग करने से लगा तो कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है, अगला जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छा बनाएंगे आप सबके लिए, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आप सबको कर देना है, मिलता है आपसे नेक्स्ट फोटो ब्लॉग तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।